फ्रेंड्स, इट्स आवर थर्ड वीडियो ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ पीवीएस नेमिंग पार्ट्स ऑफ प्लान। तो पिछले जो है दो वीडियोज में आपको रूट एंड सूट एंड रूट के जो डिफरेंट पार्ट्स उसके फंक्शन होते हैं एंड लीव्स के फंक्शंस को बताया गया, और अब इस वीडियो में जो है उसी तरह हम सूट के नेक्स्ट पार्ट यानी फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपको सूट के फर्स्ट पार्ट स्टीम के बारे में बताया गया था, उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया था। तो अब इस वीडियो में आपको उसी तरह फ्लावर्स के विषय में बताया जाएगा। एंड बिफोर यू डिस्कसिंग दिस टॉपिक, कैन यू टेल मी व्हाट्स अ फ्लावर? फ्लावर क्या होता है आप हमें बता सकते हैं? ये साधारण सी बात है, आप जो है प्लांट पे फ्लावर्स को देखते हैं तो ऐसा होता क्या है, इन फ्लावर्स को देखने के बाद हम जो है उस ट्री की ओर, उस प्लांट की ओर अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, सबसे सुंदर पार्ट होता है। लेकिन क्या फ्लावर का फंक्शन केवल प्लांट को ब्यूटीफुल करना होता है, या केवल पार्ट प्लांट की सुंदरता बढ़ाना ही किसी फ्लावर का फंक्शन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी ये जो ब्यूटीफुलनेस है इसे बढ़ाने के अलावा भी जो फ्लावर्स उनके कई सारे फंक्शंस होते हैं। और जिस तरह लीव्स और रूट्स में कई पार्ट्स पाए जाते हैं, आप पिछले वीडियो में बताया गया था, उसी तरह जो फ्लावर्स हैं उसमें भी कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फ्लावर्स जो हैं वो होते क्या हैं, उनका मेन फंक्शंस क्या होता है एंड उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नेमिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो फ्लावर होते हैं वो किसी भी प्लांट के, किसी भी पौधे के कलरफुल पार्ट्स यानी रंगीन भाग होते हैं। दे ग्रो ऑन द स्टीम्स, जो फ्लावर्स हैं वो स्टीम पर ग्रो करते हैं, स्टीम पर उगते हैं। फर्स्टली दे अपीयर एज अ बड, शुरू शुरू में अपने प्रारंभिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो फ्लावर्स होते हैं वो हमें एक बड की तरह यानी एक कली की तरह दिखते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में इसे देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये बड है, यानी जो फ्लावर्स होते हैं वो शुरू में एक बड की तरह होते हैं एंड बाद में डेवलप करके, ग्रो करके ये एक मैच्योर फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। The green parts that enclose the flower in the bud are called sepals. तो यहाँ पे बताया गया है कि वह हरा पार्ट, वह ग्रीन पार्ट जो फ्लावर को बड्स में, बड के अंदर जो है एनक्लोज किया जाता है, ढका रहता है, उस पार्ट को हम सेपल्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो बीच वाला फ्लावर है रेड पार्ट, इसे जो है किनारे किनारे से जो ग्रीन पार्ट है वो कवर किए हुए है। तो इसी पार्ट को जो कि फ्लावर को बड के अंदर एनक्लोज किए रहता है, इस ग्रीन पार्ट को हम सेपल्स कहते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी फ्लावर, अब जैसे कि ये जो बड्स हैं, ये सेपल्स हैं, इसके अंदर का फ्लावर क्या है वो भी विकसित नहीं हुआ है, तो इसकी सुरक्षा जरूरी है। तो ये जो सेपल्स होते हैं इनका कार्य क्या होता है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी फ्लावर, ये फ्लावर को, फूल को प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा देते हैं। द बड देन चेंज इनटू द फुली ग्रोन फ्लावर, तो इस तरह ये जो बड है वो ग्रो करते रहते हैं और एक समय आने पर ये जो है फुली ग्रोन फ्लावर यानी पूर्ण विकसित पुष्प में विकसित हो जाती है, उसमें डेवलप हो जाती है। द ब्राइटली कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, तो आप फ्लावर का जो चमकता हुआ खूबसूरत भाग देखते हैं उस पार्ट को हम
पेटल्स कहते हैं, यानी किसी भी फ्लावर, किसी भी फ्लावर का जो सबसे सुंदर पार्ट होता है, जो उसका कलर्ड पार्ट होता है, उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। जैसे आप इस फ्लावर में आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो कलर्ड है एंड ब्रिलियंट है, तो इसी पार्ट को हम जो है पेटल्स कहते हैं। ये जो है किसी भी फ्लावर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। तो अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं। सम फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कॉल्ड नेक्टर फ्रॉम विच बीज मेक हनी। तो यहाँ बताया गया है कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस पाया जाता है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मीन्स अच्छी सुगंध वाला पदार्थ, मीठे सुगंध वाला ऐसा एक पदार्थ पाया जाता है कुछ फ्लावर्स में, और इस पदार्थ को हम नेक्टर कहते हैं। और जो बीज यानी जो मधुमक्खियाँ अपने अपना शहद बनाती हैं, अपना हनी बनाती हैं, हनी बीज, वो हनी जो है इन्हीं नेक्टर से बनाया जाता है। फंक्शंस ऑफ फ्लावर, यहाँ जो है बताया गया है कि फ्लावर के फंक्शन, फ्लावर के कार्य क्या क्या होते हैं। जैसा कि हम आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताए कि फ्लावर का केवल एक ही कार्य यानी केवल पौधे की खूबसूरती बढ़ाना ही नहीं होता, इसके अलावा भी जो है फ्लावर के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो आइए अब उन फंक्शंस को हम जानते हैं। फ्लावर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। तो यहाँ बताया गया है जो फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, वो जो है सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी सीड का निर्माण करते हैं, उसको सीड को उत्पन्न करते हैं, और इस तरह जो है ये प्लांट के रिप्रोडक्शन में, उसके जनन में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब जो फ्लावर्स हैं वो सीड को उत्पन्न करते हैं और उन्हीं सीड से जो है हमारा नया प्लांट जो है ग्रो करता है। तो इस तरह प्लांट के रिप्रोडक्शन में जो फ्लावर्स हैं वो हेल्प करते हैं। सम फ्लावर्स आर प्लांट राइप ब्रोकली कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा स्टोर फूड इन देम। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर्स हो गया, इन सब फ्लावर्स में जो है फूड स्टोर रहता है, अतः इन्हें जो है हम फूड के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। तो फ्लावर्स के बारे में क्या जाने कि फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी पार्ट के, किसी भी प्लांट्स के स्टीम वाले पार्ट पर पाए जाते हैं। उसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स है कि नहीं। और फ्लावर्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन होते हैं कि प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और कुछ प्लांट्स में ये जो है फूड को भी स्टोर करते हैं। हियर वी हैव अवर चेक पॉइंट, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है, जैसे पहला है एन एडिबल रूट, यानी आपको एक ऐसे रूट का नाम लिखना है जो एडिबल होती है, यानी ऐसे रूट जो खाई जाती है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैरेट लिख सकते हैं, सी ए डबल आर ओ टी है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप क्या भर सकते हैं, कैरेट, क्योंकि जो कैरेट होती है वो एडिबल रूट होती है, उसे जो है भोजन के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड एन एडिबल स्टीम, यहाँ पे जो है आपको एक खाद्य तने का नाम एडिबल स्टीम का नाम लिखना है। एंड एडिबल लीफ, एक ऐसे लीफ का नाम लिखना है जिसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। एंड एडिबल फ्लावर, एंड एडिबल फ्लावर मीन्स एक ऐसे फ्लावर को जो एडिबल होता है, जिसका प्रयोग हम भोजन के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट फ्लावर कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फ्रूट पर। फ्रूट अर्थात फल, फल के बारे में हमारा सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जो फ्रूट होता है, किसी भी प्लांट का स्टोर किया गया सबसे, फ्रूट का सबसे अधिक पार्ट जो होता है वो किस में होता है, फ्रूट में होता है। हमारे भोजन के रूप में प्लांट का यूज किया जाने वाला सबसे बाहुल्य पदार्थ जो होता है, बाहुल्य भाग, वह कौन होता है, फ्रूट होता है, यानी मोस्ट यूजिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्रूट।
तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक फ्रूट। द फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फ्रूट। किसी भी प्लांट का जो फ्लेशी पार्ट होता है, जो भरा हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, मांसल पार्ट, उसे हम फ्रूट अर्थात फल कहते हैं। ये फ्लेशी क्यों होता है? क्योंकि हम बताएं कि प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनाया जाता है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो इसी फ्रूट में स्टोर रहता है, और इसी कारण जो फ्रूट्स होते हैं वे यूजुअली फ्लेशी होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स। जो अधिकतर फ्लावर होते हैं वो विकसित होने पर, और ज़्यादा विकसित होने पर फ्रूट में यानी फल में मॉडिफाई हो जाते हैं। कहने का मतलब कई सारे फ्लावर्स या मैक्सिमम फ्लावर्स जो होते हैं वो फूल विकसित होने पर फल में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, ये आप भी जानते हैं, देखे होंगे आप कि जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें जो है पौधों के बीज, पौधों के सीड उपस्थित रहते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ सीड्स। तो यहाँ बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स होते हैं उनमें जो है विभिन्न प्रकार के सीड्स भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो सीड्स होते हैं वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही बताया गया है, जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं उनमें अलग अलग नंबर्स के यानी कई संख्याओं में जो सीड्स हैं वो पाए जाते हैं। सीड इन मैंगो, सीड इन एप्रिकॉट एंड सीड इन प्लम। तो यहाँ पर देखिए कुछ सीड्स हैं जो शो किए गए हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्रिकॉट एंड प्लम हैव ओनली वन सीड। तो आप कुछ फ्रूट जैसे मैंगो, एप्रिकॉट एंड प्लम, अगर आप इन सब फ्रूट्स को देखते हैं, और ये तो बहुत कॉमनली यूज फ्रूट होते हैं, इसे तो आप देखे ही होंगे, तो आप देखते हैं कि इन सब फ्रूट में जो है कितने सीड पाए जाते हैं, केवल 1 सीड। अगर आप मैंगो खाते हैं तो देखते हैं उसमें कितना सीड होता है, केवल 1 सीड भी होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स जो शो किए गए हैं, दिस आर ओनली 1 सीडेड फ्रूट्स, इनमें केवल 1 सीड पाया जाता है। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया हैव मैनी सीड्स। तो यहाँ बताया गया है कि कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल, ऑरेंज और पपाया हो गया, इन सब में जो सीड्स होते हैं वो एक या दो ना होकर बल्कि कई सारे होते हैं। जैसे अगर आप कभी एप्पल खाए हैं या ऑरेंज खाए हैं या पपाया देखें अगर आप, तो आप देखे होंगे उनमें जो सीड्स होते हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे इन फ्रूट्स में सीड्स जो हैं वो कई नंबर्स में पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इस टॉपिक को अपने और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम जानेंगे कि जो सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस ऑफ फ्रूट, दैट मीन जो फल होता है फ्रूट, उसका कार्य क्या होता है पौधे में। ये तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रूट्स को हम अपने फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं, अपने भोजन के तौर पे मैक्सिममली जो है यूज़ करते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ और अधिक जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्रूट इज टू प्रोटेक्ट द सीड्स। यहाँ बताया गया है जो फ्रूट का सबसे मेन फंक्शन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द सीड्स, यानी सीड की सुरक्षा करना ही फ्रूट्स का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। अब अगला देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट फ्रूट्स स्टोर द फूड ऑफ प्लांट, यानी जो अधिकतर फ्रूट होते हैं, जो मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं, वो प्लांट के फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। फ्रूट्स ऑफ ऑरेंज, मैंगो, पोमग्रेनेट्स एक्सेट्रा हैव लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल स्टोर्ड इन देम। तो यहाँ जैसे कुछ फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, मैंगो एंड पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट भी अनार होता है, तो
ये सब जो फ्रूट्स हैं इनमें जो है कई सारे फूड मटेरियल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स ये सब जो है स्टोर रहते हैं, मिनरल्स वगैरह ये सब जो है इन फूड में स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं। दैट इज वाई दे आर इटन बाय अस। तो जो है कई तरह के फूड मटेरियल्स इसमें स्टोर रहते हैं और यही रीज़न है कि हम फ्रूट्स को जो है अपने फूड के तौर पर, अपने भोजन के तौर पर इसका उपयोग हम करते हैं, हमारे द्वारा इन फ्रूट्स को खाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक सीड्स पर। जैसा कि हम बताएं कि जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द फ्रूट्स। तो अब आइए जानते हैं सीड्स के बारे में एंड उनके फंक्शंस के बारे में। सीड्स आर फाउंड मोस्टली इन द फ्रूट। जो अधिकतर सीड हैं वो फ्रूट यानी फल के अंदर पाए जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइज। और ये जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग आकार और आकृति के होते हैं। कहने का मतलब इनके शेप साइज और कलर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इफ इट गेट्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। अर्थात यदि कोई बीज जो है वो प्रॉपर अमाउंट में, उचित मात्रा में सनलाइट, एयर, वाटर और सॉइल को पाता है तो ये सीड जो है एक नए प्लांट में, एक नए पौधे में ग्रो कर जाता है। यानी उचित मात्रा में सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी मिलने पर सीड जो है वो एक नया पौधा बन जाता है। The process by which a seed grows into a new plant is called germination। अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक सीड एक नए प्लांट में विकसित हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम germination कहते हैं। अर्थात किसी सीड से किसी नए प्लांट बनने की प्रोसेस को भी हम germination कहते हैं। यहाँ देखिए तो सीड्स हैं कि कुछ स्टेज दिए गए हैं, ठीक है। ये जो सीड है यहाँ पे उसमें स्प्राउट हो रहा है और उसके बाद देखिए स्प्राउट से जो है एक सीड की रूट और स्रोत जो है वो डेवलप हो रही है और आगे चलते स्टेज में यही वाली सूट देखिए यहाँ पर ये और ज़्यादा डेवलप हो गई है और इसमें जो है लीव्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं और नीचे वाला पार्ट जो है उसका क्या है, रूट्स है। तो आगे चलते इसी तरह जो है ये जर्मिनेट करता है एंड फाइनल स्टेज पर जो है ये सीड एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसी से एक मैच्योर प्लांट, एक नया प्लांट ग्रो करता है, जन्म लेता है। फंक्शंस ऑफ सीड्स। तो अब सीड्स का क्या फंक्शंस होता है, किसी सीड के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी नया पौधा जो है वो मुख्यतः सीड से ही तैयार होता है। तो आगे पढ़ते हैं इन सीड्स के फंक्शंस के बारे में। The main function of a seed is to give rise to a new plant। यानी किसी भी सीड, किसी भी बीज का सबसे मुख्य कार्य एक नए पौधे को जन्म देना, एक नए पौधे को विकसित करना होता है। अर्थात कोई भी सीड जो है उससे एक नया पौधा जर्मिनेट करता है। Plants store food in their seeds for baby plants। जो पौधे होते हैं वो अपने बेबी प्लांट्स यानी अपने इंद्रियों के लिए, अपने छोटे प्लांट के लिए जो भोजन होता है उसे पौधे इन्हीं सीड्स में स्टोर करते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी ऑफ दी सीड्स। तो ये सीड्स जिनमें फूड स्टोर किया रखा है, इस तरह के कई सीड्स को हम और आप और सभी लोग खाते भी हैं। For example, wheat, rice, corn and gram, such seeds are called edible foods। Example के लिए आप देख सकते हैं wheat, rice, corn and gram, ग्रैम में चना होता है। तो ये सब जो क्रॉप्स होती हैं इनकी सीड जो होते हैं हम उन्हीं का तो कंज्यूम करते हैं, उन्हीं का यूज अपने भोजन के रूप में करते हैं। तो वो जो सीड्स होते हैं उन सीड्स में प्लांट का स्टोर किया हुआ फूड आता है और उन्हीं फूड को जो है हम अपने फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते
हैं, सच सीड्स आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। तो यही सीड्स जिन्हें हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, इन सीड्स को हम एडिबल सीड्स कहते हैं। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस वीडियो में आपको बताया गया फ्लावर्स, उसके पास्ट के बारे में, फ्लावर्स के फंक्शंस के बारे में, एंड सीड उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, और सीड के जो फंक्शन होते हैं इसके बारे में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, इसे समझेंगे। थैंक यू।